मनु पेंटर और उनके परिवार की जो बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखे जाने वाले दशहरा पर्व पर दहन होने वाले दशाश्वमेध रावण मेघनाथ के पुतलों को पिछले कई वर्षों से बनाते चले आ रहे हैं। इन पुतलों को बनाने के एवज में कुछ पैसे जरूर मिलते हैं, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने इस पुस्तैनी कार्य को वह आज भी जिंदा रखे हुए हैं। बड़घाट, मानसरोवर, पिपराइच और धर्मशाला पर होने वाले रावण दहन के पुतलों को मुन्नू पेंटर और उनके बेटे अफजल लगभग 2 महीने पहले से ही तैयार करना शुरू कर देते हैं। मुन्नू पेंटर बताते हैं कि यह उनका पुस्तैनी काम है, उनके दादा परदादा भी यह काम करते थे और आज इसी काम की वजह से जिले में ही नहीं जिले के बाहर भी लोग उनके परिवार को जानते पहचानते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुन्नू पेंटर ने कहा, रावण बनता है, मेघनाथ रावण कुंभकर्ण बारघाट चला गया है राजघाट। कहाँ कहाँ आप लोग देते हैं? देखिए, धर्मशाला का है, अनिल नगर का है, राजघाट का है और पिपराइच का। कितने कितने फीट के रावण बनेगा? पिपराइच का 30 फीट का है, यहाँ 35 फीट का, 15 फीट का, 20 फीट का। देखिए आपके ये बनाने में कौन कौन सहयोग करता है? आप जल है हम कैसे सीखे, कैसे दिमाग में है? ये जन्माष्टमी से बनता है, हाँ शुरू हो जाता है। हाँ, ऑर्डर ऑर्डर उसी से मोबाइल से कह देते हैं कि बनना बस। तो इस समय जो 35 फीट का रावण है उसकी कीमत क्या है? वही इतना कुछ बढ़ा के दे देते हैं, तब वो 7,000-8,000 ऐसे इकट्ठा करना। कितना समय लग जाता है बनाने में? ये समय तो एक समय ज्यादा टाइम। अब प्रार्थना होगी स्वीकार, जगमग गोल्ड कपूर के साथ ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।